अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप गाइस, होप सो यू ऑल आर इन गुड ऑफ योर स्पिरिट्स। सो गाइस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। सो स्टार्टिंग विद द टुडेस टॉपिक, दैट इज द हाइंडगट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फोरगट एंड मिडगट हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट फोर वीडियोज में। ठीक है, अब हम हाइंडगट के डेवलपमेंट देखने लगे हैं। ठीक है, तो हाइंडगट बेसिकली क्या बनाता है आपके पास? ये आपके पास ट्रांसवर्स कोलोन का डिस्टल 1/3 बनाएगा, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम और अपर पार्ट जो है एनल कैनाल का वो बनाएगा। ठीक है, अब हाइंडगट और हाइंडगट के जितने भी ये डेरिवेटिव्स हैं जो अभी हमने देखे हैं, इन सबको सप्लाई करती है इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, अब आपको पता है आपका प्राइमोर्डियल गट किस तरह का होता है, इस तरह से होता है। यहाँ पे फोरगट होता है, यहाँ मिडगट होता है, यहाँ हाइंडगट होता है। ठीक है, ये जो आपकी मिडगट है ये एक डक्ट के जरिए, जिसे हम विट्रोलाइन डक्ट या ओम्फैलोएंटेरिक डक्ट या फिर योक स्टॉक कहते हैं, इस योक सैक के साथ कनेक्टेड होती है ये मिडगट। ठीक है, अब हमने जो डिस्कस करना है अभी रीजन, दैट इज़ योर हाइंडगट, ये वाला रीजन। ठीक है, इस पर भी हम हाइंडगट का जो क्लोएकल रीजन है वो डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास क्लोएकल रीजन है ना, ये किस तरह से डेवलप होगा इस हाइंडगट का। ये आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला पोर्शन है हाइंडगट का। ठीक है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। अब होगा क्या कि आपका जो हाइंडगट का टर्मिनल एंड है वो डायलेट करता है, एक्सपैंड करता है और एक एंडोडर्म लाइंड कैविटी बनाएगा। ठीक है, उस एंडोडर्म लाइंड कैविटी को हम क्लोएका कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा, ये है क्लोएका जो कि किस तरह बना है। ये बेसिकली एक एंडोडर्म लाइंड कैविटी है जो आपके हाइंडगट के टर्मिनल एंड के डायलेट और एक्सपैंड होने से बनी है। ठीक है, इस क्लोएका को कवर किया होता है हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म ने, जिसे प्रोक्टूडियम भी आप कहेंगे। ठीक है, ये प्रोक्टूडियम ना बेसिकली आपके एनस का प्राइमोर्डिया है। ठीक है, आपका माउथ का प्राइमोर्डिया आपने देखा था पीछे, वो क्या था, स्टोमोडियम। ठीक है, तो एनस के प्राइमोर्डिया को हम प्रोक्टूडियम कहते हैं। ठीक है, अब इस क्लोएका को कवर किया होता है एक सरफेस एक्टोडर्म ने या प्रोक्टूडियम ने, जिसे हम क्लोएकल मेम्ब्रेन कह देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये आपका सारा क्लोएकल रीजन है ना, तो ये वाली आपकी जो लाइनिंग है बेसिकली, दिस ऑल इज़ द क्लोएकल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसने क्लोएका को कवर किया होता है। ठीक है, बाद में क्या होगा, हमारे पास एक यूरोरेक्टल सेप्टम आएगा। ठीक है, यूरोरेक्टल सेप्टम बेसिकली मेसोडर्म की एक लेयर होती है जो आपके इस क्लोएका को ना पार्टीशन कर देगी। ये आपको जो नज़र आ रही है ना, दिस इज़ द यूरोरेक्टल सेप्टम। ठीक है, ये आपको जो एरो नज़र आ रहा है, दिस इज़ द यूरोरेक्टल सेप्टम। इसने पार्टीशन कर दिया आपके क्लोएका को इंटू टू पार्ट्स। ठीक है, जो आपका वेंट्रली प्लेस्ड पार्ट होगा, दैट इज़ द यूरोजेनिटल साइनस। ये जो रेड में आपको नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ द यूरोजेनिटल साइनस। और ये जो पीछे यूरोरेक्टल सेप्टम के पीछे येलो कलर की कैनाल है, दिस इज़ द एनोरेक्टल कैनाल। ठीक है, अब यूरोजेनिटल साइनस आपको मैंने बताया जैसे कि वेंट्रली प्लेस्ड है और एनोरेक्टल कैनाल डॉर्सली प्लेस्ड है, पीछे की तरफ प्लेस्ड है। ठीक है, तो हमारे पास जो एनोरेक्टल कैनाल है वो कौन से स्ट्रक्चर्स बनाएगी, फ्यूचर रेक्टम बनाएगी और अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल बनाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जहरी सी बात है, जब सेप्टम आया उसने डिवाइड किया आपके क्लोएका को, ठीक है, इंटू यूरोजेनिटल साइनस एंड एनोरेक्टल कैनाल, तो आपके क्लोएकल मेम्ब्रेन जो लाइन कर रही है इन सबको, वो भी तो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये तो ये जो आपके पास यूरोरेक्टल सेप्टम है, इसने क्या किया कि आपके पास जो क्लोएकल मेम्ब्रेन था उसे भी पार्टीशन कर दिया। ठीक है, अब क्लोएकल मेम्ब्रेन के पार्टीशन करने से हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स बनेंगी, वेंट्रली प्लेस्ड होगी यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आपकी क्या है, ये जो यूरोजेनिटल साइनस है इसे लाइन करेगी। ठीक है, इस साइनस को लाइन करने वाली मेम्ब्रेन इज यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस एनोरेक्टल कैनाल को लाइन करने वाली मेम्ब्रेन इज द एनोरेक्टल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये एनल मेम्ब्रेन, सॉरी एनल मेम्ब्रेन, और ये डॉर्सली प्लेस्ड होती है, यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन जो है वो वेंट्रली प्लेस्ड होती है। ठीक है, और ये किससे बनी है, बाय द पार्टीशन ऑफ द क्लोएकल मेम्ब्रेन, और पार्टीशन किसने कराई है, यूरोरेक्टल सेप्टम ने। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई है। ठीक है, अब क्या होगा जब यूरोरेक्टल सेप्टम हमारे पास लेंथन करेगा और ये क्लोएकल मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आके ये फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, ये यूरोरेक्टल सेप्टम है, ये आपके पास लेंथन किया, आके इसने क्लोएकल मेम्ब्रेन, ये क्लोएकल मेम्ब्रेन है, इसके साथ फ्यूज़ कर दिया। ठीक है, जब ये फ्यूज़ कर जाएगा तो अब हमारे पास क्या होगा, इसने एक बॉडी बनाई है जिससे हम कह देंगे कि दिस इज़ द पेरिनियल बॉडी। ठीक है, ये है हमारे पास पेरिनियल बॉडी, या जहाँ पर फ्यूज़ कर रही है, दिस इज़ द पेरिनियल बॉडी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। अब हम अपर 2/3 देखते हैं, अगर
एनल कैनाल का, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? हाइंड गट से, ठीक है. लेकिन लोअर वन थर्ड जो है ये ओरिजिनेट करेगा फ्रॉम द एक्टोडर्मल प्रोक्टूडियम, ठीक है. एनल कैनाल का जो लोअर वन थर्ड है ना वो एक्टोडर्मल प्रोक्टूडियम से ओरिजिनेट करेगा. ये देखें, ये है आपके पास प्रोक्टूडियम, ये वाली, ये बेसिकली एक पिट है, पिट है यहाँ पे, उसे हमने क्या कहा है? प्रोक्टूडियम, ठीक है. तो यहाँ से आपका लोअर वन थर्ड ओरिजिनेट करेगा एनल कैनाल का. हमने अपर टू थर्ड देख लिया कि वो हाइंड गट से ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है. अब होगा क्या, जो आपकी क्लोएकल मेम्ब्रेन है, हमने देखा किस तरह से उसने एनल मेम्ब्रेन बनाई है, ठीक है. एनल मेम्ब्रेन फर्दर एडल्ट्स में ना आपके पास जो बनाती है दैट इज पेक्टिनेट लाइन, ठीक है. ये आपने पॉइंट याद रखना है. अच्छा, क्योंकि हमारी जो एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है वो दो जगहों से हो रही है, ठीक है, एनल कैनाल की, तो हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएशंस नज़र आएंगी उसके अपर पार्ट में और लोअर पार्ट के दरमियान, ठीक है. अब हम देखते हैं कि एनल कैनाल क्योंकि दो जगहों से अराइज़ कर रही है, यानी हाइंडगट से अराइज़ कर रही है और एक्टोडर्मल प्रोक्टूडियम से अराइज़ कर रही है, तो जो वेरिएशंस हैं अब हम वो देखने लगे हैं इस टेबल में, ठीक है. तो जो अपर पार्ट है एनल कैनाल का ना, उसके हमारे पास ओरिजिन कहाँ से होती है? एंडोडर्मल ओरिजिन है उसकी, और लोअर पार्ट की एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है. एपिथेलियल लाइनिंग अपर पार्ट की है फ्रॉम इस दैट इज़ कोलमनर, और लोअर पार्ट की है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है. आर्टेरियल सप्लाई अपर पार्ट की है फ्रॉम द ब्रांच ऑफ हाइंड गट आर्ट्री, ठीक है. और लोअर पार्ट की जो है वो इन्फीरियर रेक्टल आर्ट्री से आती है, क्योंकि लोअर पार्ट को आपको पता है वो कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द एक्टोडर्मल प्रोक्टूडियम, ठीक है. तो उसको इन्फीरियर रेक्टल आर्ट्री सप्लाई करती है, और अपर पार्ट जो है उसको हाइंड गट की ब्रांच यानी सुपीरियर रेक्टल आर्ट्री की जो है ब्रांच सप्लाई करेगी, ठीक है. इस तरह वीनस ट्रेनर जो है वो हमारे पास अपर पार्ट की होती है थ्रू पोर्टल वीनस सिस्टम, और लोअर पार्ट की केबल वीनस सिस्टम के पास वीनस ट्रेनर होती है, ठीक है. लिम्फेटिक ड्रेनेज देखें तो अपर पार्ट की इज़ इंटरनल आइलिक नोड्स एंड लोअर पार्ट की सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स, ठीक है. इनर्वेशन जो है अपर पार्ट की इट इज़ थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड दिस इज पेनलेस, ठीक है. और जो अब लोअर पार्ट है उसकी इनोवेशन होती है थ्रू सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ये पेन सेंसिटिव होता है इन्फीरियर रेक्टल नर्व क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कर रही है, ठीक है. एनल कॉलम्स जो हैं अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और लोअर पार्ट में एब्सेंट होते हैं. तो आई होप आपको ये सारे कंपैरिजंस समझ आ गए हैं. अब हम हाइंड गट की एनोमलीज देखते हैं. तो हमारे पास क्या होता है कि जब यूरोरेक्टल सेप्टम एबनॉर्मली एक्सटेंड होगा ना, तो उसकी वजह से इनकम्प्लीट क्लोएका की डिवीजन होगी, ठीक है. जब क्लोएका इनकम्प्लीटली डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात हो अब नॉर्मल कम्युनिकेशंस कुछ डिवेलप हो जाएंगी, ठीक है. पहली जो आपकी रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान कम्युनिकेशन डिवेलप होगी ना, दैट इज़ रेक्टोवेसाइकल फिस्चुला. दूसरी आपकी रेक्टम और यूरेथ्रा के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी दैट वुड बी रेक्टो यूरेथ्रल फिस्चुला. और रेक्टम और वजाइना के दरमियान जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ रेक्टो वजाइनल फिस्चुला. जो रेक्टो यूरेथ्रल है दैट इज सीन इन मेल्स एंड रेक्टो वजाइनल इज सीन इन फीमेल्स, ठीक है. आई होप आपको समझ आ गई है. नेक्स्ट इज कंजेनिटल मेगाकोलोन, या जिसे आप हिर्शस्प्रुंग डिजीज़ भी कहते हैं, हिर्शस्प्रुंग डिजीज़, कंजेनिटल मेगाकोलोन. इसमें क्या होता है कि आपकी जो बेसिकली सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम की वॉल है ना, वहाँ पे आपको ये कंजेनिटल मेगाकोलोन या हिर्शस्प्रुंग्स डिजीज़ नज़र आएगी. और ये किस वजह से होगी कि अगर सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम की वॉल में ए गैंग्लियोनोसिस हो जाए, ए गैंग्लियोनोसिस यानी जो आपके पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियाज हैं जो आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव होते हैं वो एब्सेंट हो तो ए गैंग्लियोनोसिस होता है, ठीक है. और अगर आपके सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम के वॉल में ए गैंग्लियोनोसिस होगा तो उसकी वजह से हमारे पास कंडीशन होगी दैट वुड बी कंजेनिटल मेगाकोलोन या हिर्शस्प्रुंग्स डिजीज़. आई होप आपको ये बात समझ आ गई है. अब जाहिर सी बात है ए गैंग्लियोनोसिस इसकी कॉज है, यानी सिम्पथैटिक सप्लाई नहीं है, नो पैरासिम्पथैटिक सप्लाई, सॉरी पैरासिम्पथैटिक सप्लाई नहीं है. तो जब पैरासिम्पथैटिक सप्लाई नहीं होगी तो इसका मतलब होगा कि आपके कोलोन की रिलैक्सेशन नहीं होगी. जब कोलोन की रिलैक्सेशन नहीं होगी तो पैरास्टेलसिस नहीं होगी, ठीक है, यानी इंटेस्टिनल कंटेंट्स मूव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका कोलोन जो है वो लार्ज हो जाएगा और मेगा कोलोन वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है. देन इज रेक्टो एनल फिस्चुलास. इसमें क्या है आपके पास के जो आपकी नैरो फाइब्रस ट्यूब है ना, ये एक्सटेंड करती है आपके रेक्टम से पेरिनियल पेरिनियल सर्फिस तक, ठीक है. आगे है हमारे पास इम्परफोरेट एनस. इम्परफोरेट एनस में क्या होता है, आपकी एनल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है या वो परफोरेट कर जाती है, ठीक है. तो उसकी वजह से इम्परफोरेट एनस हम कहेंगे, ठीक है.
नहीं सॉरी, आपकी एनल मेम्ब्रेन जब परफोरेट ही नहीं कर पाएगी या रप्चर ही नहीं कर पाएगी तो उस कंडीशन को हम इम्परफोरेट एनस कहेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई है कि एनल मेम्ब्रेन जब परफोरेट या रप्चर नहीं कर पा रही, फेलियर हो गया है, तो उसकी वजह से इम्परफोरेट एनस होता है, ठीक है। देन इज एनल एजेनेसिस। एनल एजेनेसिस में क्या होगा कि जो ब्लाइंड एंडेड एनल कैनाल आपके है, ब्लाइंड एंडेड एनल कैनाल, वो आपको कहाँ नज़र आएगी? प्यूबर रेक्टेलिस मसल के नीचे। प्यूबर रेक्टेलिस मसल के नीचे जब आपको ब्लाइंड एंडेड एनल कैनाल नज़र आएगी, दैट इज़ एनल एजेनेसिस, ठीक है। रेक्टल एट्रिशिया में क्या होता है, आपकी एनल कैनाल और रेक्टम जो है नज़र तो आते हैं, यानी आपके पास प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन ये सेपरेटेड होंगे एक दूसरे से, ठीक है। एनल कैनाल और रेक्टम दोनों होंगे तो सही रेक्टल एट्रिशिया में, लेकिन दोनों सेपरेटेड होंगे, ठीक है। एनोरेक्टल एजेनेसिस में क्या होगा कि आपके पास जो ब्लाइंड एंडेड रेक्टम है वो आपको प्यूबोरेक्टेलिस मसल के ऊपर नज़र आएगा, ठीक है। एनल एजेनेसिस में हमने देखा था ब्लाइंड एंडेड एनल कैनाल जो थी वो हमारे पास प्यूबोरेक्टेलिस मसल के नीचे थी। एनोरेक्टल एजेनेसिस में जो ब्लाइंड एंडेड रेक्टम है वो प्यूबोरेक्टेलिस मसल के ऊपर नज़र आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मेसेंट्रीज। तो मेसेंट्रीज क्या होती हैं, जो आपकी प्रिमिटिव गट ट्यूब और उसके डेरिवेटिव्स हैं, वो बेसिकली आपकी पेरिटोनियल कैविटी में ना आपकी वेंट्रल बॉडी वॉल और जो डोर्सल बॉडी वॉल्स हैं उनके साथ वेंट्रल मेसेंट्रीज और डोर्सल मेसेंट्रीज के जरिए अटैच होती हैं, ठीक है। ये मेसेंट्रीज बेसिकली आपकी प्रिमिटिव गट ट्यूब को आपकी पेरिटोनियल कैविटी में सस्पेंड रखती हैं, ठीक है। यानी ये प्रिमिटिव गट ट्यूब और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं ये किस तरह से आपके डोर्सल और वेंट्रल बॉडी वॉल्स के साथ अटैच होंगी, थ्रू दीज मेसेंट्रीज। इसमें आपके पास डोर्सल और वेंट्रल मेसेंट्रीज होती हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये आपकी जो है प्रिमिटिव गट ट्यूब और उसके डेरिवेटिव्स को सस्पेंड कराती हैं आपकी पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली जो पेरिटोनियम में आपके ऑर्गन्स इंक्लोज होंगे उनको हम कह देंगे कि वो क्या है, इंट्रा पेरिटोनियल, और जो आपके पेरिटोनियल के बाहर जितने भी ऑर्गन्स होंगे या पार्शली कवर्ड जो होंगे पेरिटोनियम से उनको हम कह देंगे कि दे आर रेट्रो पेरिटोनियल। जो पेरिटोनियम के अंदर हैं पूरी अच्छी तरह से पेरिटोनियम इंक्लोज है, दे आर इंट्रा पेरिटोनियल, और जो पार्शली कवर्ड है बाय पेरिटोनियम दे आर द रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है। जो आपके पास लिगामेंट्स और मेसेंट्रीज हैं, इन ये बेसिकली रूट्स प्रोवाइड करती हैं आपके ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को और लिम्फेटिक्स को, ठीक है। अब हम देखते हैं जो एम्ब्रियोनिक मेसेंट्रीज होती हैं वो एडल्ट्स में कौन से डेरिवेटिव्स देती हैं। तो आपकी जो वेंट्रल मेसेंट्री है ना, बेसिकली एडल्ट्स में हमारे पास लेसर ओमेंटम बनाएगा, ठीक है। लेसर ओमेंटम बेसिकली आगे डिवाइड हो जाता है, दो डिवीजन देता है, एक है हेपेटोगैस्ट्रिक और दूसरी हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट्स बना देगा, ठीक है। जो दूसरी चीज़ आपसे आपकी वेंट्रल मेसेंट्री से बनेगी, दैट इज़ फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट, फिर है कोरोनरी लिगामेंट, एंड लास्टली इज़ द ट्रायंगुलर लिगामेंट्स ऑफ लिवर, ठीक है। तो इसको याद करने का निमोनिक है LFCT, यानी लेसर ओमेंटम, फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट एंड ट्रायंगुलर लिगामेंट्स ऑफ लिवर, ठीक है। देन आपकी डोर्सल मेसेंट्री एडल्ट्स में क्या डेरिवेटिव्स होती है, एक तो ग्रेटर ओमेंटम बनाएगी जिससे हमारे पास स्प्लीनोरीनल, गैस्ट्रोस्प्लीनिक, गैस्ट्रोरीनल और गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट्स बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये डोर्सल मेसेंट्री मीजोअपेंडिक्स बनाएगी, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन बनाएगी, मेसेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएगी और हमारे पास सिग्मोइड मीजोकोलॉन बना देगी। तो यहाँ पे आपकी जो है हाइंडगट कंप्लीट हो चुकी है, मेसेंट्रीज भी हमने देख ली हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।